हाँ भाई, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? खुश हो? देखो, कुछ अर्सा पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर लगाया था कि जितने भी होम बेस्ड कारोबार हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उसको जो है मैं प्रमोट करूँगा अपनी एक अदद यूट्यूब की वीडियो में। तो मैंने बोला जितने भी खाने वाले हैं वो आज मुझे खाना भेज दें, मैं सबको खाऊँगा और रिव्यू करूँगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इसमें वज़न बढ़ता है, तो मैंने सोचा मैं अपने अकेले का वज़न क्यों बढ़ाऊँ। तो मेरे साथ आज की वीडियो में मेरी हेल्प करेंगी वरीशा, लेकिन वो तो इंस्टाग्रामर है ना, वो ऐसे थोड़ी आएंगी, वो ट्रांजिशन में आएंगी। सो इन 3, 2, 1, क्या बात है! रावा चे बावा चे ओनुल, कैसी हैं आप? पहले सलाम तो कर दो सबको। अस्सलाम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत तमीज़ से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं हम अपनी एक अदद ASMR वीडियो बनाने की। तो ASMR वीडियो होने वाली है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें PR पैकेज किसने भेजा है। पैकेजेस और बहुत सारे नहीं भी आ पाए बिकॉज ऑफ बारिश, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड कि इतने सारे लोगों ने फिर भी भेज दिया। विल स्टार्ट विद फ्रूटीज फ्रूटीज। ओए होए 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 होए, पहले आप देखें, पहले हम हेल्दी खाना खाएंगे, ठीक है? तो फ्रूटीज की शक्ल में दिखाऊं आपको? क्या कर रही है? तबले बजा रही है। पकड़ो ये माइक, पकड़ो। ASMR कर रही हूँ। अच्छा पकड़ो, तो ये तो पकड़ो, उनको दिखाएंगे भी तो ये देखो फ्रूटीज। आई रियली लाइक द कि आपने प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसी की है, ये देखें। वाओ, इट्स वेरी नाइस। मुझे नहीं पता इसकी कीमत क्या है, लेकिन मैं करीब लेकिन हाँ लेकिन बाद में पूछ लूँगा मैं कि ये प्लेटर फ्रूट का कितने का है। लुक एट वही। दिस, वाओ, बहुत ही खूबसूरत। हम पहले अच्छा सबसे पहले आप बताएं आपका फेवरेट फ्रूट कौन। मैं बता दूँ आपका कौन सा, आप बताएं मेरा कौन सा। मैंगो एंड बनाना हाँ, आपका, मेरा खरबूजा, नो एप्पल, नो जामुन। नो। ग्रेप्स अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन माय फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज। यू लाइक ऑरेंज? यू डोंट नो आई लाइक ऑरेंज। हाँ, अच्छा अभी हम तो सर्दियों में अभी नहीं एग्जैक्टली मिले अभी तो हुई है हमारी यार। अच्छा, तो किससे शुरुआत करनी है? थे। वाटरमेलन। वाटरमेलन शुगर, हाय। हाय। अरे कॉपीराइट लग जाता है यूट्यूब पे। नहीं है, बोलने से थोड़ी लगेगा। आई थिंक मैं, यमी। ये बहुत मजे का वाटरमेलन है। देखो फ्रूटीज़ वालों, तुम लोग जहाँ से भी फल फ्रूट ख़रीद रहे हो बहुत अच्छी जगह है, क्वालिटी ऐसी बरकरार रखना क्योंकि खुशबू से, खुशबू से, फ्रेशनेस से मुझे लगता है कि बहुत तुम्हारा वेंडर फ्रूट वाला बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, ट्रे वे भी अच्छी, तो मैं फ्रूट क्या खाऊँ, मुझे पता है फ्रेश तो लगे रहें। ओके, पपाया। वाटरमेलन इज वेरी नाइस। तो क्या क्या दिया है? वाटरमेलन दिया है, गरमा दिया है, केले हैं। व्हाट इज द श्रिम्प्स? व्हाट इज दिस? क्या जाहिल आदमी ग्रेप मैं! ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट है, वही मैं कह रहा हूँ। श्रिम्प सबसे पहली डिश जो खाई हमने फ्रूटीज का खाया है, फ्रूट प्लेटर, एंड इट्स वेरी गुड। ये बहुत अच्छा लगेगा इफ लाइक यू टेक इट टू समबडीज प्लेस, है ना, एज अ तोहफा, तोहफा या किसी पार्टी में जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना। इंस्टेड ऑफ टेकिंग केक आप एंड ले इट्स वेरी लें। थॉटफुल। आई थिंक कोई बीमार बीमार हो। चेरीज, व्हाट इज इट? इट्स नॉट अ चेरी, इट्स अ वेरी डिफरेंट। या इट्स रेड ग्रेप है, ग्रेप। रेड ग्रेप है। मैं एक्चुअली खाती ग्रीन ग्रेप्स हूँ, मुझे रेड नहीं पसंद, लेकिन ये बहुत अच्छा रेड ग्रेप है। तो भाई प्रेजेंटेशन कितना मार्क्स देंगे आप इनको? 10। 10। ओके, तो अब हम चेंज करेंगे ट्रांजिशन में, फेल ट्रांजिशन होगी। 3, 2, 1। अरे वाह, सीख रहा हूँ मैं भी। पता नहीं मैंने सही किया या नहीं, मैं भूल गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाथ था या ये, बट एडिट तो मेरे हाथ में। चलें। अच्छा, तो अब हमारे पास हैं क्या है, ज़रा बताइए। मोमोज। किन्होंने भेजा ये? ये फूड थेरेपिस्ट की तरफ से आया, और स्मेल बता अच्छा, नहीं मोमोज मैंने सकती। कभी खाए नहीं है। रियली नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम, लेट्स सी। खुशबू तो बड़ी बहुत ज़बरदस्त आ अच्छी रही है स्मेल आ यार। रही है। अच्छा इसकी चिली ऑयल्स नॉर्मली बहुत मज़े के लगते हैं इनके साथ। अच्छा, करें खुशबू बहुत शुरू। अच्छी आ रही है, एंड मैं पहली दफ़ा खाने लगा हूँ। अच्छा लगा तो अच्छा तारीफ़ करूँगा, नहीं लगा तो कौन आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट। बहुत तेल है। चिल्ली ऑयल है ये, आपको पूरा पीना नहीं है। अच्छा, मैंने कौन से चमचे में भर के पी रहे यू जस्ट हैव टू डिप इट लाइटली वन ऑफ द मोमोज एंड लाइक वेरी स्लाइटली डिप इट। ये मैं उठा लिया, कहाँ डिप करूँ उसमें? इसमें करें, दिस इज द बेसिक सॉस, इतना ज़्यादा नहीं बस। अच्छा, पहले बेसिक में डाल लिया।
खाएं। अब क्या करूं? आपका रिव्यू देख। कुछ और नहीं डिप करना होता इसमें? नॉन वेज जस्ट हैव इट। पूरा खा जाऊं? मोमोज कैसे लगे? आई एम वेटिंग फॉर हिज रिव्यू। फाड़ू बहुत फाड़ू है भाई। लेकिन पता है क्या, ये जो ब्लैक सॉस है ना, इसके साथ ये लग रहा है बाप। इस ब्लैक सॉस से अच्छा लग रहा है। वेरी यम्मी। फूड थेरेपिस्ट, वी डूइंग अ वेरी गुड जॉब। फूड थेरेपिस्ट, मुझे नहीं पता इस इंस्टाग्राम हैंडल के पीछे कोई लड़की है या लड़का है या कोई आंटी है या कोई अंकल है, लेकिन जो भी हैं, जिन्होंने भी ये बनाया है, आपके हाथ में जादू है। सो गुड। पहली बार डंपलिंग्स खाएं एंड इट्स आई थिंक इट्स माई न्यू फेवरेट थिंग। हाँ, यहाँ तो कचड़ कचड़ की आवाज़ आ रही है। डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम मौजूद है। लाजमी मोमोज खाने ट्राई करना है, फूड थेरेपिस्ट का तो लाजमी खाना। या देखो, अब तक जितनी भी खाने की चीज़ें आई हैं ना, 10/10, मतलब ये भी नहीं कि अगर मुझे लगे कि यार यहाँ थोड़ी सी जो है ना, इन्होंने डंडी मार दी है। नॉर्मली जब हमारे पास फूड पैकेजेस आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कोई अच्छा होता है कोई इतना अच्छा नहीं होता, ये वो, बट ये दोनों ही चीज़ें दे वर वेरी गुड। और एक्चुअली मैंने बहुत सारी डिफरेंट जगहों के मोमोज ट्राई किए, अजलान का तो फर्स्ट टाइम है, सो आई कैन टेल के अच्छे मोमोज हैं, एक्चुअल में अच्छे मोमोज हैं। चलो ठीक, अब सीन ये है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भेजी हूँ, ठीक है। हमारे पास ये है अरोमा स्पाइस स्पेशल आइसक्रीम, अरोमा गार्लिक ब्रेड, अरोमा स्पाइस राइस प्लेटर, सालसा सॉस है हमारे पास, और आई थिंक गार्लिक सॉस है। लुक्स स्मेल्स लाइक गार्लिक ब्रेड का खाने में मजा आएगा। और ये क्या है, नान की भेजी। इसका मुझे थोड़ा सेंस नहीं समझ आ रहा, मुझे लग रहा है आप कुछ भूल आए हैं। नहीं नहीं, अरे वाह होशियार। But it doesn't look like अरे यार, मतलब क्या बात कर दी माहिर यार, so smart। तो भाई अरोमा स्पाइस वालों ने कहा है कि डियर अजलान, होप यू ड्रिंक ग्रेट, वी आर सेंडिंग यू आर ओन मील स्लैश फूड ऑन द मेंशन एड्रेस, प्लीज डू मेंशन आवर डिशेज इन योर लिस्ट। भाई ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ मैं, और इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। अब लेट्स ट्राई। हाँ, खा के देखते हैं कि ये खुशबू जो आ रही है ये असल में इतनी अच्छी है या सिर्फ अफवाह है। चलो बिस्मिल्लाह करें। गार्लिक ब्रेड, क्या बोला आपने? इट्स गुड। बड़ी जल्दी बोल दिया इट्स गुड यार, खाने का तो पहले बाइट में ही पता चल जाता है। ओके, दो बातें मैं कहूंगा। नंबर वन, इट्स वेरी फ्रेश, इट्स थिक, फ्लफी है, मजे की है, बहुत फ्रेश है, ठीक है। अक्सर जो है ना, ब्रेड अंदर से लाइक ज़्यादा कच्ची टाइप की हो जाती है, बिल्कुल परफेक्टली बेक्ड भी है। सही है, परफेक्टली बेक्ड है। इसमें मैं आपको दूंगा 10 में से 10 मार्क्स। ये क्या है? आई डोंट नो, दिस इज सम नान। क्रीमे वाला नान, आई डोंट नो, इस पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, और इतनी मैं मेहनत करने के मूड में हूँ भी नहीं। लेट मी ईट। ओके, अचारी टाइप्स का टेस्ट है ना। तो भाई ये है नान, बहुत कुछ भरा हुआ है इसमें, अचारी क़ीमा। क्या हुआ, कैसे तो खाएंगे, कैसे खाएंगे, हमसे नहीं होता वो छोटा सा छुई मुई लेके। नहीं, अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में दे सकते हो आप। ये नाश्ता ही इनका सॉर्ट हो रहा है यहाँ पर। या मैं नाश्ते में इतनी हैवी चीज़ें खाता हूँ, मेरे पतले होने की वजह यही है। सीक्रेट सीक्रेट नहीं बताना। जो स्पाइसेस जो इसमें है ना, उसका एक एक फ्लेवर मेरे मुंह में जो है ना, वो पॉप अप हो रहा है। कराची में मोस्टली होता है कि खानों में ना फ्लेवर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है मिर्चें, और आई थिंक खानों में होना चाहिए डिफरेंट फ्लेवर्स, और ओवर पावरिंग मिर्चें नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल बैलेंस है उस हिसाब से। राइस प्लेटर, इसमें चॉकलेट क्या कर रही है बे? दैट्स बीफ। ओह सॉरी। अच्छा, बीफ इतना टेंडर था, मैं ब्रेड हटा रही थी उसी में टूटने लग गया। क्या जोक था ये? अरे अरे, क्या है, मुझे भी सुनो ना। जावियर करता है, क्या है ये, का चिकन है, का है, नहीं बीफ है, चिकन है। अरे क्या बना दी हो अरोमा बाजी, एक मिनट, सम कबाब है ना। मेरा भी जेन्युइन रिएक्शन है। राइस बहुत अच्छे फ्लेवर है यार, इट्स वेरी गुड। अच्छा मुझे ना बहुत, इट्स वेरी एक्चुअली रियली गुड। इस सब खाने से बहुत टर्किश वाइब आ रही है।
वेरी बैलेंस, कोई किसी कोई चीज़ ओवर पावर नहीं कर रही है. एग्जैक्टली. तो अच्छा ये फिर कराची वालों बोलेंगे कि इसमें जो है फीका है ये वो है. कैसे बोलेंगे फीका, मुझे फीका नहीं लग रहा. मैं मजे का. वैसे आप तो मिर्चें खाते हैं. हाँ. मैं तो इसी तरह का खाना खाती हूँ जिसमें मिर्चें ज़्यादा ना हो. आपने पूछा था ना, आपने लिखा हुआ है कि ऑनेस्ट फीडबैक दें ताकि हम इस अपने होम बिजनेस को एक्सपेंड करें या नहीं. आप एक्सपेंड करें, आपको हम दोनों की सपोर्ट है. हम दोनों आएंगे खाने के लिए, पैसे दे के खाएंगे वो भी. बिल्कुल. आप फ्री खा लिया, मैंने फ्री नहीं खाऊंगा, पैसे दे के खाऊंगा. सही है. हम तो भाई बहुत शौकीन है खाने की जगह एक्सप्लोर करने के. ओके. तो अब हम वाह 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 बड़ी मजे की शेप की आइसक्रीम है. वाओ. ये तंग नहीं करना लोगों को. नहीं तंग नहीं कर रहा मैं. खा के देखो, जहर तो नहीं है इसमें. नहीं अंदर से तो सरप्राइज निकला. आप खा. ओके. अंदर की जो आइसक्रीम है वो बहुत मजे की. चॉकलेट इज ओके. इट्स गुड बट आई थिंक और बेहतर हो सकती थी. सेवरी है आइस. डेजर्ट ज्यादा अच्छा है. सेवरी ज्यादा अच्छा. हाँ. देखिए ये खाने के बाद मुझे लगता है कि आई एम कंफ्यूज्ड. ये और बेहतर हो सकती थी, मुझे अच्छी नहीं लगी. इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुझे अच्छी नहीं लगे, तो जरूरी नहीं कि आपको भी ना अच्छी लगे. अच्छा मैं मेरी बात सुनो. आप ट्राई करके देख लेना, लेकिन मुझे वो क्लिक नहीं की, क्योंकि मैं शायद इस किस्म की आइसक्रीम शायद मुझे पसंद नहीं, मैं खाता नहीं. मे बी दैट्स व्हाई. दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर की आइसक्रीम वाली फीलिंग थी, दैट वाज वेरी गुड. आई डोंट नो इफ यू टेस्ट. इन्होंने पूरी चॉकलेट यूं करके ठूस दी. ये तो उसके अंदर आइसक्रीम ही तो थी. अगर आप आइसक्रीम अलग से खाते, मैंने अलग से भी ट्राई की थी, तो जो चॉकलेट है दैट्स अ लिटिल लाइक टू स्वीट कॉम्पाउंड चॉकलेट टाइप सिचुएशन. तो इसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, बट द आइसक्रीम अलग से इज़ वेरी गुड. तो अगर आप लोग को आइसक्रीम बेचनी हो तो आप वैसे आइसक्रीम बेच दीजिएगा विदाउट द चॉकलेट. वो वाली आइटम आइटम अच्छे हैं मुझे. अच्छा है, इट्स अ चेरी ऑन टॉप. एंड आई पर्सनली बिलीव इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिजर्ट होगा ना, वो बहुत फाड़ू होगा आई एम श्योर. मुझे अच्छा नहीं लगा. इट्स नॉट हिज. हो सकता है थोड़ा और इस पे काम करेंगे, थोड़ा और मीठा, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है. बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का मीठा पसंद है. पिकी अबाउट मीठा आल्सो. हां तो अगर मीठा आइसक्रीम में थोड़ा अगर चीनी वीनी शहद वहद कोको पाउडर थोड़ा ज्यादा होता तो बड़ा अच्छा होता. मीठा तो बहुत था ये, इनको ही कम लग रहा है. यार आप ये लेके भी आधा है यहाँ पे रखे. हम सब ने साथ ट्राई करना जलान प्लीज. ये ले भाई. आपने देखा ये मैंने आधा खा लिया है और यहाँ पे आया ही आधा है. ये उसकी वजह मैं घर में खाना शुरू हो गया था. ये आया है टेम्पटेशन 23. लगी हुई डाली पे होगा. साफ हो गया. ये इतना मीठा है, इतना मीठा है. ये मेरे बहुत ही स्वीट फॉलोवर ने भेजा है टेम्पटेशंस 23. जितने भी लोग टर्की गए हैं और जितने भी लोग हाफिज मुस्तफ़ा का उन्होंने खाया, नहीं मैं कर देता हूँ, हाफिज मुस्तफ़ा का उन्होंने वो ट्रेचलिशियस कैरमल केक खाया है, ये वही टेस्ट है. ये टेस्ट मुझे टर्की में मिला था और उसके बाद मुझे टेम्पटेशंस 23 तलहा नूर चलाता है ये पेज, उसके पास ये टेस्ट मुझे मिला है. एंड इट्स अमेजिंग, कसम खुदा की इतना बेहतरीन है ना. ये देखो मैं आधा खा चुका हूँ. लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे डिजर्ट्स नहीं पसंद तो ये आपके लिए नहीं है. क्योंकि मुझे नहीं पसंद तो मेरे लिए 2-3 बाइट्स इसकी इनफ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती. लेकिन मतलब ये इतना स्वीट है. मुझे ना डार्क चॉकलेट और इस तरह के डिजर्ट्स पसंद है. बहुत आला. वाह टाला वाह, जीत गया तू शहजादे. और जाने क्या हाल है. तो भाई मैं इसको रेट करता हूँ 10 out of 10. आप बताएं. 7 out of 10. और because you don't like that much meetha. Only because I don't like that much meetha. अगर ये होता डार्क चॉकलेट ऊपर से होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता. लेकिन यार बहुत बाप है, मैंने पास कर दिया. शहजादे तू जीत गया. थैंक
अभी तक, अभी इसके अलावा नेक्स्ट 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 क्या है भाई? नेक्स्ट हमारे पास है क्रंची मंचीज के जानिब से, हमारे पास कुछ 6 ब्राउनीज आई थी जिसमें से एक आप लोग को पता चल रहा होगा कि इनको मीठा कितना पसंद है, ये भी आधी अधूरी आई है। आई एम श्योर उसमें भी कुकीज ज्यादा होंगी, एक आपने खा ली होगी। हाँ 6 कुकीज थी वो, सीरियसली? नहीं सर 6 ब्राउनीज थी ना इसमें, मैं एक खा गया था एक्चुअली, 1.5 खा गया मैं। ओके दे लुक गुड। अच्छा मीठे को जज करना ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मीठा पेट में नहीं जाता, मीठा सीधा दिल में जाता है। अच्छा ना, आई थिंक दो डिफरेंट फ्लेवर्स भेजे हैं, आई सी नटेला, आई सी प्लेन, आई ऑल्सो सी लोटस। इवन दो मुझे लोटस जनरली पसंद नहीं है, लेकिन इनकी ब्राउनीज में बहुत मजे का लग रहा है। क्रंची मंचीज बहुत आला, रियली नाइस ब्राउनीज। आपकी ब्राउनीज बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, मैंने पास कर दिया इस चीज को। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, आमीन। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। ये इसका बॉक्स इतना क्यूट है गाइस। अच्छा जैसे इंस्टाग्राम में वो लड़कियां जो अनबॉक्सिंग कर रही थी वैसे करो जरा। हाय गाइस, सो आई रिसीव दिस पीआर पैकेज फ्रॉम चॉक चीज PK and oh my god this is so cute, और सच में ही वैसे बहुत क्यूट है। अब इस कुकी की शक्ल देखो यार, देख रहा है मेरे कुत्ते से, मेरे कुत्ते से मिल रही है मेरी पर्सन। हाँ देखो कोको जैसा लग रहा है, वापस दिखा दो साथ में कोको की यहाँ पे पिक्चर है। अच्छा और ये वैसे मुझे कुकीज जो है ना, वन ऑफ माय फेवरेट बेक्ड डेजर्ट्स हैं, सो तो आप चलें रिव्यू करें। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस। दो हैं, तुम्हें ये वाली पसंद है, चॉकलेट चिप है और एक डबल चॉकलेट फिल्ड कुकी है, ये वाली खाऊंगी मैं। दरमियानी लग रही है मुझे ये छोटी लग रही है थोड़ी। मुझे बहुत मजा आ रहा है। So good, यार। Chalkies.pk. तो इन कुकीज को आप क्या रेट? हमने दूसरी वाली नहीं ट्राई की, आप ट्राई करें, मेरी बस हो गई है। मेरी भी ऐसे बस हो गई है, टू मच खा ली है मैंने, लेकिन जस्ट बिकॉज इन्होंने दो फ्लेवर्स भेजे हैं, वी शुड ट्राई इट। फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, ये ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। ये ज्यादा अच्छी लगी है, वीडियो एंड करें आप और इनकी तारीफ भी करें, क्योंकि तीनों की तारीफ कर रहे हैं, तीनों ने मीठा बहुत अच्छा बना के भेजा, बहुत ज़्यादा खा लिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों, प्यारों, शहजादों, शहजादियों, बहुत ज़्यादा खाने के बाद इंसानों की शक्ल इस तरह की दिखती है। डेफिनेटली यस, वो लोग जो अपने फूड पैकेजेस नहीं बेच सके रेन एंड जो भी किसी वजहात की बिना पे, तो कोई बात नहीं, फिर से भी कर सकते हैं अगर लोग, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, लेकिन फौरन नहीं करेंगे, कुछ टाइम बात करेंगे। इट डिपेंड्स कि इस वीडियो पे कैसा रिस्पांस आता है, इफ द व्यूज आर गुड, इफ द रिस्पांस इज गुड। आप लोगों के लिए जितने लोगों ने खाना भेजा है, अगर जितने लोगों ने खाना भेजा है इनके बिजनेस में, अगर इस वीडियो से कोई फर्क पड़ रहा है तो डू लेट मी नो। मैं और वरीशा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम दोबारा वीडियो ज़रूर बनाएंगे खानों के ऊपर, जो भी आप पैकेजेस आते हैं, जो कहते हैं ना इंस्टाग्राम स्टोरीज, हम उनके लिए प्रॉपर एक फूड रिव्यू करेंगे यूट्यूब के ऊपर, क्या कहते हैं आप? डन है, डन। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अपने फन के साथ। अच्छा मैं कह रही हूँ, सब चीज़ों में से आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आपके साथ बैठ के खाना खाना, ये वाला मेरा काम करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी अपने मन के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।